हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और सारे मज़े में होंगे। तो आपका मैंगो भाई भी ठीक है, अच्छे से हैं और मज़े में हैं। ओ बच्चू, देखो बच्चा मैं कैसे देख रहा था। तो अभी हम मज़े में निकले वीडियो बनाने के लिए। बाकी आप लोगों से एक बात बताऊँ, जब भी मैं ये बाइक लेके निकलता हूँ ना, बंदे मुझे सामने से जब आते हैं ना, वो ऐसे इग्नोर करते हैं। जब मुझे साइड मिरर में नज़र पड़ते हैं, वो बंदे हमें देखते रहते हैं, मतलब पीछे मुड़ के देखते हैं। इसको तरक्की बोलते हैं। तो इसी बात पर लाइक मार दो, सब्सक्राइब को भी आज मार ही दो, उसको ज़िंदा नहीं छोड़ना है, सब्सक्राइब आज कर दो। अभी टाइम ना 5 बजे का है, तो जिसके कारण अभी हल्का बहुत वो ट्रैफिक लगेगा आप लोगों को रास्ते में। तो बाकी मैंने आज क्या कर दिया था, आज मैंने जो माइक की जो प्लेसिंग थी वो मैंने चेंज कर दी। तो परसों जहाँ पर मैंने रखी थी ना, वहाँ पर हल्का बहुत मुझे अपनी जगह पर वो नॉइज़ लग रहा था, वो शोर लग रहा था। तो आज मैंने वो कुशन से बाहर निकाली। मैं ना असल में जो हेलमेट का जो कुशन होता है ना, तो उसी में रखता था माइक को, ताकि जो आउटसाइड नॉइज़ है वो नहीं आए। बट उसमें बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं आया। थोड़ा बहुत जो बाहर का नॉइज़ है ना, जैसे गाड़ियों का शोर है, वो भी आना चाहिए और अपनी वॉइस भी क्लियर आनी चाहिए। तो तभी मज़ा आएगा, जब हमारे जानवर का जो रोरिंग साउंड है ना, जब ये अच्छे से आएगा ना, मुझे मज़ा आएगा। स्कूटी वाले के साथ रेस लग गई। चलो चलो अंकल, आप ही जीत गए। बाकी यहाँ से पानी चेक कर लो, पानी का जो लेवल है ना, जो रिवर जहलीम का जो पानी का लेवल है, वो बहुत कम हो चुका है। बट एक दिक्कत आजकल कश्मीर में हो रही है, वो दिन को होती है बहुत ज़्यादा धूप, और जब शाम का टाइम आ जाता है 5 बजे के करीब, तो ऐसे बादल मंडरा जाते हैं और ख़तरनाक सी बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो आज मैं होप करता हूँ कि आज बारिश ना हो। अगर बारिश हो गई ना, आज मैं बाइक को निकाल अपने जानवर को आज मैंने निकाला है, तो हमारा जानवर भी भीग जाएगा और जानवर के साथ हम भी भीग जाएंगे। ऊपर से अगर मैं अकेला होता तो अलग बात थी, मेरे साथ मम्मी है, इसी को थोड़ा बहुत काम है, कहीं जाना था, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो भी बनाई जाए और मम्मी को भी साथ में ले जाएंगे। बाकी लोग जो है ना, वो अपने निब्बा निपीस के साथ जाते हैं, बट मैं ज़्यादातर मम्मी के साथ जाता हूँ जहाँ पर भी मुझे जाना होता है। तो वो बोलते हैं ना, वी आर नॉट सेम मैंगो, बट बाकी की तरह नहीं है जो लड़कियों के साथ घूमेगा। ओ भाई साहब, आगे चेक कर लो, आगे बहुत ही तगड़ा जैम लगा हुआ है। आज मेरे जो बैक है ना, उसकी बैंड बजने वाली है जितना मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ से मुझे लाइन दिख रही है, जो ट्रैफिक का जो लाइन है ना, मुझे यहाँ से दिख रहा है। बट उम्मीद करते हैं कि बाइक्स के लिए थोड़ी बहुत जगह मिलेगी, हम आगे आगे बढ़ेंगे अच्छे से। अगर हम ट्रैफिक में फंस जाएंगे ना, उसका मुझे टेंशन नहीं है, टेंशन मुझे ये लाल हाथों का होना है। मेरी ना हाथों की बैंड बज जाती है, देखो अभी मैंने थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गया और मेरे जो हाथ है ना, बिल्कुल लाल हो गए। बाकी हम यहाँ पर फंस चुके हैं और अभी मुझे नहीं लगता कोई गाड़ी हिल रही है, कोई मूवमेंट कर रही है, सारे ना एक जगह पर रुक चुके हैं। ओ भाई 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 भाई, देखो देखो देखो, जैसे मतलब जैसे ही ट्रैफिक खुलता है ना, देखो कैसे लोग भागने लगते हैं। ओ हद है, अभी अगर जल्दी से नहीं निकले ना कोई कुछ कर देगा, इसीलिए जल्दी से भागो यहाँ से, क्योंकि सारे लोग हाइपर हो चुके हैं। जो सारा जाम है ना, वो जहांगीर चौक के पास अटका हुआ था, यहाँ से कोई जाम नहीं है, मतलब है थोड़ा बहुत, ये ऐसा तो नॉर्मल है यहाँ का। यहाँ पर परसों ना फरहान मेरी बाइक चला रहा था और एक गाड़ी वाले ने ना हमारी बाइक को उड़ा ही दिया था, तब यहाँ पर इस लोकेशन पे कसम से तब मेरी जान निकल गई थी। तो मैंने तब जो माइक परचेज किया था ना, वो माइक ख़राब था, मतलब माइक ख़राब नहीं था एक्चुअली, मैं वो माइक थोड़ा बहुत सस्ता था जो कि मैंने सस्तेपन में लिया था। बाकी भाई साहब, आज देखो हाथों की हालत क्या हो गई, और चलते चलते ना मतलब शाम हो गई। अब मुझे एक चीज़ का टेंशन है, अगर बारिश हुई ना, हम वहाँ से मतलब जब रिटर्न आएंगे ना, तब सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी हमें। बाकी आज क्या करेंगे, आज हम रात को अपने व्लॉग को एंड करेंगे। तो फिलहाल हमें एक जगह पे काम है, फिलहाल उधर एंटर होते हैं और जब हम वहाँ से निकलेंगे ना, तब आप लोगों को मिलते हैं। और चलो जी, बस अब जाके निकलते हैं यहाँ से। बाकी मुझे नहीं पता कुछ आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने आपको दिन के उजाले में बोला था कि आपका मैंगो भाई आज रात को अपना जो अपना वीडियो है वो एंड करूँगा। बाकी एक चीज़ पता नहीं वीडियो में कैप्चर हुआ होगा या नहीं, क्योंकि शाम का टाइम है, शाम को अच्छे से विजिबल नहीं, ओह भाई शाम को अच्छे से विजिबल नहीं होता। आगे आगे ई रिक्शा चल रहा था और वहाँ पर गड्ढा आ गया, मुझे अपनी आँखों से। एक चीज़ है ना, जो अपनी आँखों से दिखता है वो कैमराज में नहीं दिखता, ये ऊपर वाले का एक गिफ्ट है, एक तोहफा है। कैमरा की आंखें कितनी भी तेज़ हो, कितनी भी मेगापिक्सल वाली हो, जो अपनी आंखों से दिखता है ना, वही बिकता है। ये जल्दी पलट खा जाता है अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा गड्ढा आ जाए। सो ये देख लो, घंटाघर का नाइट व्यू कुछ ऐसा आता है। तो बाकी यहाँ से चेक कर लो नाइट व्यू घंटाघर का। तो ये रहा यहाँ से घंटाघर, शाम को कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ से पब्लिक भी अच्छी खासी होती है। तो बाकी जो यहाँ पे एलईडी चल रहा था ना, अभी नहीं चल रहा, मुझे लगता है स्मार्ट सिटी का एलईडी ख़राब हो गया। तो बहुत ही बड़ा एलईडी था वहाँ से, मतलब था नहीं, वो वहाँ पर है, अभी चल नहीं रहा।
अभी हम पहुंच चुके हैं एमेरा कदल पे। ये एमेरा कदल पहले पहले इतना साफ होता था, इतना प्यारा लगता था, बट देखो कितना कूड़ा यहाँ से फैला के रखा है, कितना गंदा लग रहा है आजकल। तो पहले जो एमेरा कदल है ना, माना जाता था इतना खूबसूरत था ये। तो बाकी चलो निकलते हैं यहाँ से। आज लाल चौक में कुछ खास नहीं था, देखो सारा बंद हो चुका है और टाइम भी ना बहुत लेट हो गया, तकरीबन 8:30 के करीब अभी टाइमिंग है। तो बाकी आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी किसी भी रीज़न से। अगर पसंद आई तो, अगर नहीं भी आई तो भी सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को और इस वीडियो को कर देना लाइक। तो बाकी मिलते हैं आप लोगों से और किसी ना इसी प्यारी सी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।